Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल खैरियत से होंगे. व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ हरे मसाले वाली चिकन. तो उसके लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए. एक मैंने हरे मसाले वाली कढ़ाई बनाई थी, हरी ग्रीन कढ़ाई, और ये है हरे मसाले वाली मुर्गी. इसको हमने क्या करना है, एक किलो मैंने बिल्कुल हरे, ये देखिए बिल्कुल इतने ज़्यादा ग्रीन टमाटर ले लिए हैं, चार पाँच हरी मिर्च ले ली है, उसको मैंने इस तरह काट लिया. एक गड्ढी हरे धनिया की थी उसको काट लिया. तीन मीडियम प्याज हैं उनको मैंने इस तरह काटा है. चार पांच लहसुन है उसको मैंने देखिए इस तरह काटा है. अदरक का एक टुकड़ा है उसको मैंने इस तरह काटा है. और दो किलो चिकन है. दो चम्मच वाइट पेपर है जिसको हम दक्कनी मिर्च कहते हैं, उसको हमने क्रश कर लिया है. दो चम्मच नमक है. ये देखिए ड्राई हो गई है. अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी. ऑयल मैं लूँगी एज रिक्वायर्ड, और आप भी जितना आपको चाहिए उस लिहाज से लीजिए. ये देखिए मैं ले रही हूँ ऑलमोस्ट 20, ये वाले 2 स्पून मैंने लिए ऑयल के. ये चिकन सौते करूंगी, और उसके बाद मैं सारे स्पाइसेस इसमें डाल दूंगी. अब मैं इसमें डाल दूंगी, ये देखिए ऐसी हो गई है ना. अब मैं इसमें ये लहसुन और अदरक डाल दूंगी, जिंजर गार्लिक जो मैंने स्लाइस कर लिए थे ये डालकर एक चम्मच चला दिया मैंने. अब मैं ये डालूंगी वाइट पेपर, और एक और चम्मच चला दूँगी इसमें का सा चम्मच चला दिया. अब मैं इसमें डालूंगी ये सॉल्ट और ये ऑनियन डाल दूंगी साथ साथ, और ये डाल दूंगी ये ग्रीन स्पाइस डाल दूंगी, ये हरी मिर्च, हरा धनिया और ये हरे टमाटर. इसमें कोई चीज़ भी रेड चिली वगैरह कुछ नहीं डालनी, और गरम मसाला भी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, सिर्फ ग्रीन मसाले में बनानी है. और ये बहुत ही लजीज चिकन हो या गोश्त हो, गोश्त भी बना सकते हैं आप, और चिकन, दोनों चीज़ें सेम मेथड से बनती हैं. और देखें बहुत ही अच्छी मज़े की भी होती है और ख़ूबसूरत होती है. ये देखिए ये बस. अब मैं इसको लिड क्लोज कर दूँगी. अब मैं इसको फुल फ्लेम पर पकने दूंगी 10 मिनट्स, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दूँ. फुल फ्लेम पर अभी तक मैं बना रही हूँ इसको. अब मैं इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर दूंगी. अब मीडियम की हीट पर मैं इसको कुक करूंगी जब तक ये सारी चीज़ें गल नहीं जाए. देखिए अब ये इसके सारे टमाटर गल गए हैं ना. अब मैं इसको फ्लेम को हाई कर दूँगी. सब मैंने इसको से भूनना है क्योंकि ये सारे टमाटर गल गए और चिकन भी गल गई है. चिकन तो ऐसे ही फटाफट गल जाती है ये वाली. ये हाई फ्लेम पे मैं इसको, ये देखिए बस. अब मैंने ये इसको बिल्कुल भून लिया है, और सारा सिर्फ ऐसी थिक थिक सी ग्रेवी रह गई है. ग्रेवी तो ज़रूरी चाहिए ना, रोटी से कैसे खाएंगे वरना हम खाना, तो इसलिए इतनी ग्रेवी रह गई है. अब मैं इसको फ्लेम को स्लो करूँगी, ऑयल ऊपर आने का वेट करूँगी. ये देखिए इतनी कर दी. अब ऑयल ऊपर आएगा, बस ये रेडी है, और इसको मैं सर्व कर दूँगी. ये हो गया. अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, और ये मैं डिश आउट कर दूँगी. सर्व कर रही हूँ. ये देखिए कितना अच्छा क्रीमी क्रीमी सा ये है. तो ऐसे ही जब आप बनाएंगे तो ये ऐसे ही होना चाहिए. बिस्मिल्लाह. व्यूअर्स, सबसे पहले मैं कहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फौरी तौर पर कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको फौरी तौर पर मिले. और अब ये देखिए कितने मज़ेदार हरे मसाले वाली मुर्गी तैयार हो गई है. बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, बहुत ही क्रीमी है, और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है इसकी. बनाइए
खिलाइए, बहुत सारी रात पाइए, अपना ख्याल रखिए, बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, गरीबों का बहुत ख्याल रखिए, मुस्तहकिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ये बात अपने बच्चों को ज़रूर बताइए ताकि उनको भी बड़े होकर ये आदत पड़े। अल्लाह हाफिज़।